सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से एक और बार कुछ रियल क्रीपी वीडियोस देखने वाले हैं। जिसने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन जाकर ज़रूर देख ले। और आज मैं फिर से आप लोगों को कुछ रियल इंसिडेंट्स दिखाने वाला हूँ जो कि कैप्चर हुए हैं कैमराज में, और ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड करना है कि आप लोग इन वीडियोस को रियल मानते हो या फेक। बट इन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि इनमें एडिटिंग जो है वो बहुत ही कम की गई है या ना के बराबर ही की गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी फुटेजेस रियल भी हो सकती है और फेक भी हो सकती है, डिसाइड करना आप लोगों के ऊपर है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Her with me when I move. So if any of you are interested in that doll, please let me know because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested. I don't. Did that oh my god, f***ing thing just move? Oh my god. Oh my god, are you f***ing kidding me? I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested. I don't. Her pretty face just moved towards you. Oh my god, Heather. Like that legitly just moved. Oh my god. Yeah, Clay, did you see that? At first. When you said you're not taking her with you, what the is that? I don't know, I just heard that. I heard a girl's voice. Are you serious? That wasn't one of you? No! Oh my god. Oh my god, she really just f***ing move? Her face. Oh hell no. तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा कि जो उस डॉल की ओनर है वो जैसे उसे बेचने की बात कर रही होती है, उसे देने की बात कर रही होती है ना किसी और को, अगर खरीदनी हो किसी को, तो वो डॉल सडनली उसकी तरफ देखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोई अननोन वॉइस भी हमें सुनने को मिलती है। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ना तो आप लोगों को सुनने को वो अननोन वॉइस ज़रूर मिलेगी। और जब वो लेडी एक और बार उस डॉल को बेचने की बात रिपीट करती है तो एकदम से जो उस लेडी के पीछे बेल्स टंगी हुई होती है वो बजने लगती है। तो साफ साफ हमें दिख रहा होता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है चल रही होती है और किसी ना किसी सोल ने या किसी गोस्ट ने इस डॉल को पजेस किया हुआ है। और जो भी ये चल रहा है ये सब पैरानॉर्मल चीज़ों में ही आ रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। तो आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपना सामान किसी से छीन रही होती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब इस वीडियो के पीछे बताया ये जा रहा है कि इस बच्ची को एक अपना इमेजिनरी फ्रेंड दिखता है, मतलब इस घर में वो सोचती है कि उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है। मतलब उसे नहीं लगता कि इमेजिनरी है, उसे तो लगता है कि हाँ वो एक रियल इंसान है। बट जब उसके पेरेंट्स ने फुटेजेस देखी तो उसे पता चला कि उसकी बेटी को जो है वो भूत दिखते हैं। और ऐसा पॉसिबल है भी, जो गोस्ट में बिलीव करते हैं उन्हें पता होगा कि बच्चों को और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें भूत दिख जाते हैं। अब आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना कि एक छोटी सी बच्ची किसी अपने इमेजिनरी फ्रेंड से जो है सामान खींच रही होती है। और अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही है। और हो सकता है कि वो इमेजिनरी फ्रेंड इसके जितना ही हो, कोई छोटे बच्चे की आत्मा हो, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। She just does that. तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैट जो है वो एक ही जगह पर बैठी हुई है और सिर्फ एक वॉल की तरफ देखे जा रही है।
अब इन माय ओपिनियन, मैंने जब ये वीडियो देखी ना तो यार मुझे चिल्स आ गए। मतलब सबसे डरावनी वीडियो मेरे लिए डॉल वाली या वो इमेजिनरी फ्रेंड वाली नहीं थी, जितनी मुझे सबसे ज़्यादा डरावनी ये लगी, क्योंकि इसमें एक कैट जो है वो चुपचाप बैठी हुई है और सिर्फ एक दीवार की तरफ देखी जा रही है, ऊपर की तरफ। और ओनर का ये कहना है कि उसकी कैट सडनली ऐसा बिहेव करने लग गई थी तो उसने जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कई एनिमल्स को और कई बच्चों को जो है वो भूत दिख जाते हैं, तो हो सकता है कि इस कैट को कोई स्केरी भूत दिख गया हो। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्केरी कोई सोल इसको दिख गई हो जो कि दीवार से एकदम ऊपर की तरफ चिपक के खड़ी हुई है। और इसी चीज़ को ये बात क्रीपी बनाती है ये वीडियो, कि कोई इतनी खतरनाक सोल उस कैट को दिख गई है कि वो अपनी मुंडी ही नहीं हिला पा रही है। और हो सकता है कि उस सोल ने इस कैट को पजेस ही कर लिया हो, मतलब ये अपनी मुंडी वगैरह कुछ नहीं हिला पा रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और वो लाइट बंद करके एक बार जाता भी है और एक बार वापस भी आता है, पर कैट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं रहता है, वो सिर्फ उसी तरह देख रही होती है। और जब वो ओनर उसके पीछे जाके दीवार की तरफ भी कैमरे को दिखाता है तो भी वो कैट जो है उसकी तरफ नहीं देख रही होती या कहीं भी आसपास नहीं देख रही होती। तो ये इस बात को बहुत ही ज़्यादा क्रीपी बनाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक वाइट डॉट टाइप का जो है कैमरे की तरफ आ रहा है, अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये ऑप्स है, ORBS, ठीक है। और आप लोगों को ऑप्स बहुत सारी स्पेसिफिक जगहों पर देखने को मिल जाते हैं, बट इसके पीछे पैरानॉर्मल थ्योरी ये बताई जाती है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है ना जहाँ पर आपको ऐसी चमकती चमकती वाइट रोशनियाँ दिखे, मतलब जिन्हें ऑप्स कहते हैं। तो मान लो कि अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस पे अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, एक अननोन प्लेस पे आपको दिख रहा है, मान लो कि आपके घर में आपको कभी ये सडनली ऐसा दिख जाए, एक वाइट वाइट डॉट ऐसे उड़ रही है, तो इसके पीछे ये बताया जाता है कि कोई रूह या कोई सोल जो है वहाँ पर मौजूद है और वो एज अ ऑप्स के रूप में आई है। मतलब ऐसा इस थ्योरी के पीछे बताया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, बट अगर आप लोगों को सडनली रोड पर या अपने घर में या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पे आपने आज तक कोई ऑप्स नहीं देखा, कोई ऐसी चमकती हुई वाइट डॉट्स नहीं देखी, लेकिन आपको सडनली दिख जाए, तो ये बताया जाता है कि कोई सोल है। अब बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पता है कि ये है क्या, बट इतना पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि ये अपनी तरफ से चले, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि किसी सोल्जर की जो है आत्मा इसके अंदर मौजूद है। अब जैसा कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने फोर्थ वीडियो में बताया था कि ऑप्स क्या होते हैं और मतलब उनका सोल से रिलेटेड रहता है। तो जैसे ही आप लोग देख सकते हैं, जब इस ऑब्जेक्ट का वो फ्रंट गेट सा जो खुलता है वो मिरर टाइप, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी वाइट वाइट चमकीली लाइट हमको देखने को मिलती है जो कि ऑप्स है। तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। क्या ये उस डॉल की तरह ही पॉजेस्ड है या नहीं, इसके मिरर एकदम से खुलते हैं और ये सडन मूव भी करता है, ये अपनी आंखें खोलता है बंद करता है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।